तो ये रही दरभंगा महाराज का किला का जो है मेन गेट, जो कि कितना बड़ा है देखिए। नजदीक से आप लोग देखिएगा तो, सामने से देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखेगा, कैमरा में तो छोटा दिखेगा। अब हम लोग जो है एलएमएनयू मेन कैंपस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस साइड हो गया ग्राउंड हमारा राज मैदान का, जो अभी आप लोग देख रहे थे कि स्टूडेंट लोग जो है क्रिकेट खेल रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो इस साइड जो अभी जाके घुमाते थोड़ा सा बाइक पे ही, तो चलिए। तो देखिए इस साइड जो पूरा मेन एलएमएनयू का जो मेन कैंपस है, इसी साइड पूरा देखिए, बीच में रास्ता, दोनों साइड पेड़ पौधा एकदम हरा भरा, और इस साइड देखिए पूरा एकदम ये बिल्डिंग दिख रहा है ना, बिल्डिंग क्या है मतलब राजा का एक किला था जिसको एलएमएनयू में जो कन्वर्ट कर दिया गया है। और इस साइड देखिए व्यूज देखिए भाई साहब, एकदम सुबह सुबह का मौसम है भाई, अलग फील ही अलग आता है यहाँ घूमने में। यह हो गया अंदर जाने का रास्ता, जो कि राज मैदान अंदर जाने का रास्ता, आप लोग आके अंदर, हम लोग इस साइड से घूमते हुए अंदर जाते हैं और आप लोग दिखाते हैं। ये हो गया सबसे मेन जो है एलएमएनयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग आओगे तो रुक के थोड़ा सा देखना, बहुत ही भव्य लगता है उसके अंदर। अब आ गए हम लोग पीछे के साइड, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पीछे के साइड, तो पीछे का व्यू आप लोग देख, सीधे सीधे अभी हम लोग जो है उस साइड से आए थे और पूरा जब एलएमएनयू का मेन कैंपस घूम के, और इस साइड से जो है हम लोग अभी निकल रहे हैं, इस साइड से घूम के और पीछे इस साइड से आए हैं। ये हो गया ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो मेन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है ललित नारायण मिथिला कैंपस, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, जो कि यहाँ पे जो आप लोग को दिखाए थे सामने, वहाँ से दिखाए थे आप लोग को, और यहाँ से लेके शुरू होके और पूरा जो है इस साइड घूमते हुए और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और अभी हम लोग उस साइड से आए थे तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, एक दोस्त आया है उससे भी आप लोग को मिलवाते हैं, जो कि आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे थे हम लोग औरंगाबाद 4 साल पहले, तो वही मिलने के लिए आया, बोला कि आओ। तो अभी हम अभी एक दोस्त जो बोल रहे थे कि मिलने के लिए आया तो उससे मिल लिया है, और अभी जो सोचे कि थोड़ा एक का जूस पी लेते हैं, तो यहाँ पे एक का जूस अभी बनवा रहे हैं और पीते हैं, और फिर जाके मंदिर में थोड़ा सा बैठेंगे, और एक घंटा और है अभी जाना छुट्टी होने में, तो थोड़ा सा बैठेंगे। अपना जूस जो इधर आ चुका है, चलिए इसको पीते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो है दरभंगा टावर के पास आ गए हैं, तो अभी भी जो है टाइम है एक घंटा छुट्टी होने में, तो भाई जो यहाँ पे ले आया है छोला भटूरा खिलाने के लिए। तो इस दुकान स्टॉल का नाम है गुप्ता जी मशहूर छोले भटूरे एवं पुलाव, मतलब स्पेशली छोले भटूरा के लिए दुकान है। ये देखिए पूरा जो है दरभंगा मार्केट यही है, और दरभंगा टावर आप लोगों के सामने ये है। तो चलिए जल्दी से छोला भटूरा खाते हैं और टाइम पास करते हैं, कैसे कैसे खाएगा। छोला भटूरा इधर आ चुका है, ये देखिए कितना बड़ा भटूरा है, जल्दी से खाना फिनिश करते हैं। छोला भटूरा जो खाली है, आप जो है दरभंगा टावर ये दिख रहा है, इधर से जा रहे हैं हसन चौक, और बाहर में जो बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं, देखिए इधर फूल का दुकान लगा हुआ है, ऊपर जो है कपड़ा जूता चप्पल सब चीज़ का दुकान लगा हुआ है इस साइड में। तो अब हम लोग जो है अभी उस साइड जो खा रहे थे एक स्टॉल पे, ठीक है एक ठेला पे, तो ठेला पे ही खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है लड़के हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि होटल रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाए। तो ये देखिए दरभंगा टावर, लेकिन पूरा खाली खाली है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पूरा फुल हो जाएगा, और यहाँ पे फुल होने का कारण होगा कि बच्चे लोग का स्कूल का जब छुट्टी होगा उसके वजह से यहाँ पे फुल हो जाएगा पूरा। तो बस अग्रवाल के पास जो पहुँचने वाले हैं हसन चौक पे, अब जाते हैं, बस 20 मिनट और बचा है छुट्टी होने में, उससे पहले पहुँच ही जाएंगे वहाँ पे। टाइटन का शोरूम छोटा सा, ये देखिए अग्रवाल ज्वेलर्स, यहाँ पे अग्रवाल ज्वेलर्स हो गया, और यहाँ पे जो है अग्रवाल का जो है एक बड़ा बिल्डिंग है, जिसके अंदर जो गए थे हम अपना जो है एक कॉलेज का ड्रेस लेने के लिए, देखिए ऊपर लिखा हुआ है अग्रवाल। बाटा का एक शोरूम, तुम्हारा भाई ब्लॉगिंग करते हुए जा रहा है इधर, ये देखिए अग्रवाल, यही है अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल साड़ी। अब जा रहे हैं बस 2 मिनट की दूरी पे है अपना जो है सेंटर, जहाँ पे अभी छुट्टी होने वाला है मेरे भाई का। भाई लोग की यहाँ पे जो छुट्टी हो चुकी है, तो सभी स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं राजा स्कूल जो है यही है, और आज जो थोड़ा सा एग्जाम कम है, क्योंकि आज 30 मिनट का जो है ना गैप है, इसी वजह से जो है साइंस का एग्जाम था, तो सभी स्टूडेंट निकल रहे हैं अभी। तो भाई जल्दी से निकलते हैं, यहाँ एक दो आ गया,
और पहले से अंकुश अंकुश बता दे दोनों गाड़ी निकाल के रखो। नहीं सर कहाँ बाया सर निकल रहे हैं आगे। हाँ यहाँ पे कोना पड़े आवे अंकुश। अपना भाई जो आ चुका है वहाँ पे जो निकल रहा है तो आप चलिए, अभी तो जाम क्लियर है थोड़ा सा, तो अभी सोचे कि हम उस साइड से चल रहे हैं तो अभी चलिए। वो भाई जो आ चुका है पूछते हैं कि कैसा गया, कैसा गया। ये आ रहा है ये पीला जैकेट वाला, पीला हुडी वाला। जाम देखिए जाम कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ। कहने के लिए जाम कैसे बने लिया चल। चलिए आप जो है यहाँ से निकलते हैं, बहुत ज्यादा जाम हो चुका है। देखिए कितना ज्यादा जाम हो, दिखा दो। अभी हम लोग जो है पांचना का पे है, जाम देखिए कितना ज्यादा है। ऊपर से आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर। तो अभी एक भाई की दुकान पे आए हैं जहाँ से हम जो है रेगुलर जो है जींस खरीदते हैं। जींस कोई भी जो है आउटफिट होता है कपड़ा वो इसी दुकान से लेके जाते हैं। तो इस दुकान का नाम आप लोगों को बता देते हैं, इस दुकान का नाम क्या है, थोड़ा सा बाहर चलते हैं। ये देखिए डेनिम डिजायर लिखा हुआ है, डेनिम डिजायर फैशन हब, जो कि नेशनल सिनेमा हाउस के जो है पास में है। यहाँ पे आप लोग जो है लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पे जो है नेशनल सिनेमा हाउस जो है यहाँ पे बना हुआ था, जिसके पास में ही है। तो आप लोग यहाँ पे आके जो है शॉपिंग कर सकते हो, जो कि भाई बहुत अच्छे कम प्राइस में जो है अच्छे अच्छे जो है आउटफिट जो है जीन्स प्रोवाइड करते हैं, टी शर्ट शर्ट सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग आके एक बार जो है यहाँ पे चेकअप कर सकते हो। तो मेरा भाई जो है यहाँ पे जीन्स ले लिया, तो यहाँ पे ले लिया, इसका जो बिलिंग करवाते हैं और फिर चलते हैं। भाई से पूछते हैं कि भाई जो है किस टाइप का जीन्स निकालते हैं। तो भाई आपका नाम क्या हुआ? नाम आसिफ सर। थोड़ा जोर से बोलिए। आसिफ सर नाम हुआ मेरा। अच्छा भाई आप क्या क्या रखते हो जींस में, किस तरह का दिखा? ऑल वैरायटी मिल जाएगा, प्लेन सिंपल डेनिम कट पर पंखी सब डिजाइन मिल जाएगा। इस थोड़ा एक दो एग्जांपल दिखा दो। अच्छा ऑल वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो भाई का जो एक शॉप है बहुत अच्छे रेट में, बहुत अच्छे डिस्काउंट भी आप लोगों को देंगे। तो भाई के जो एक बार शॉप पे आप लोग जो विजिट करो। तो भाई का शॉप का नाम है डेनिम डिजायर, आप लोग को लोकेशन दिखा देते हैं बाहर से थोड़ा सा। तो यहाँ पे नेशनल सिनेमा के पास आओगे तो आप लोग को दो ट्रांसफार्मर दिखेगा, उसके ठीक सामने जो है एक छोटा सा शॉप है। तो भाई का जो है दो शॉप है, ठीक है। तो आप लोग पहले ये वाली शॉप पे आओ, आप लोग जो एक बार विजिट करो और आप लोग जो है खरीदो जो सामान आप लोगों को पसंद आए। तो भाई का जो दूसरा शॉप का भी नाम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा। चट्टी घूमती पाए और घूमती गिरा ना हो, ऐसा कभी हुआ है? रेड सिग्नल हो चुका है, देखिए रेड सिग्नल हो गया। जो घर पे अभी हम जो है पहुंच गए हैं, बहुत ही ज्यादा धक्का खाने के बाद। आप लोगों तो देखे होंगे कितना लंबा लंबा जाम लगता है हमारे दरभंगा में, और खास करके जो है ना चट्टी चौक पे भी जाम लगता है, और जिला स्कूल के पास जो है वहाँ पे एक स्कूल है तो उसके कारण जो वहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं उसके कारण जाम लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे जगह है दरभंगा में जहाँ पे जो है जाम लगने के जो है बहुत ही रीजन्स है, ठीक है। जहाँ पे कहीं पे रास्ता छोटा है तो कहीं पे बड़ा है, कहीं पे कोई रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा है, कुछ भी हो जाता है तभी उसी कारण जाम लग जाता है, वरना जो है इतना टाइम नहीं लगता। तो अभी जो है घर पे पहुँच गए हैं और भूख लगी है, तो वो अभी खाना उना खाएंगे। उसके बाद जो ये वाली जो वीडियो अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको जो एडिट करके चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
मिलते हैं इस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।